हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर ट्वेंटी थ्री सॉल्व किया था आज के इस लेक्चर में हम हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ मिक्स फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए एंड इसको एंड इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज़ मिक्स फ्रैक्शंस इस टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम सेट नहीं है प्रॉब्लम सेट ट्वेंटी थ्री हमारा लास्ट प्रॉब्लम सेट था ओके सो so फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में दैट इज स्टैंडर्ड सिक्स सेवेंथ एंड एट में बड़ा यूजफुल रहेगा तो इसे अच्छे से समझ लीजिए सो फर्स्टली फ्रेंड्स यहाँ पर हमें थ्री सर्कल्स दिए हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सर्कल हेयर फर्स्ट सर्कल में शेडेड पार्ट है वन अपॉइंट टू ओके इस सर्कल के हमने टू सेम पार्ट्स क्रिएट किए हैं एंड हेयर एक पार्ट यहाँ पर शेडेड है सो शेडेड पार्ट अगर हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर पर जितने पार्ट्स है वो रैड करेंगे दैट इज़ टोटल टू पार्ट्स है सो so हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर पर टू राइट किया है एंड इसमें से शेडेड पार्ट वन है सो so हमने न्यूमरेटर पर वन राइट किया है दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज वन पॉइंट टू यहाँ पर भी वैसे ही है सेम सो so यहाँ पर भी हमने राइट किया है वन आ टू एंड लास्टली इस थर्ड सर्कल में भी है वन आ टू सो अगर इसका हमें टोटल करना है तो हम क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे दैट इज वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू दैट इज वन प्लस वन प्लस वन अपॉइंट टू ओके ये तीनों भी लैक फ्रैक्शन आए हैं सो so हम क्या करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही कर देंगे एंड डिनोमिनेटर एज इट इज राइट करेंगे दैट इज फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूमरेटर्स है वन वन एंड वन So, यहाँ पर हमने राइट किया है अपॉन डिनोमिनेटर के टू एज इट इज सो होते अपॉन के टू एज इट इज़ अब ये हो गया हमारा सिंपल फ्रैक्शन ओके जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर टोटल राइट करेंगे इक्वल टू वन पॉइंट टू प्लस वन टू प्लस वन टू अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम सिर्फ दो ही फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे या तो फर्स्ट सेकेंड या तो सेकेंड थर्ड और या तो फर्स्ट एंड थर्ड ओके तीनों भी यहाँ पर सेम ही है तो आप कौन से भी दो फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन को ऐड करते हैं सो हियर वन प्लस वन राइट करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर के टू एज इट इज एंड हियर थर्ड फ्रैक्शन एज इट इज राइट करना है सो so, हियर वन प्लस वन मीस टू होते हैं अपॉन डिनोमिनेटर के टू एज इट इज प्लस वन अपॉइंट टू हेर टू अपॉइंट टू मीस कितने होते हैं फ्रेंड्स वन होते हैं ना टू वन सर टू हेयर यार ऑल्सो टू वन आर टू ईयर ऑल्सो टू वन सर टू सो वन अपॉइंट वन प्लस वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट वन मीस वन होते हैं सिर्फ प्लस वन अपॉइंट टू एंड इसको हम कैसे रेड कर सकते हैं वन वन अपॉइंट टू ओके सो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रेंड्स इसकी वैल्यू क्या है थ्री अपॉन टू है ओके okay. इसको हम कैसे रीड करते हैं वन एंड वन अपॉन टू अब इसको हमारे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं वन वन अपॉन टू एज इट इज़ राइट करेंगे देन फ्रेंड्स टू मल्टीप्लाई बाय दिस वन करेंगे एंड टू मल्टीप्लाई बाय वन करने के बाद इसमें ये वन ऐड कर देंगे दैट इज हेयर टू एज इट इज राइट करते हैं हेयर टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन ये टू मल्टीप्लाई बाय वन करना है यहाँ पर प्लस इसमें ऐड करना है ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ओके ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है यार टू मल्टीप्लाई बायस कितने होते हैं फ्रेंड्स टू ही होते हैं प्लस ये वन राइट कर देना है ओके पहले आपको मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है एंड देन एडिशन सॉल्व करना है एंड यहाँ पर ये डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा यार टू प्लस वन मींस थ्री होते हैं अपॉन डिनोमिनेटर के टू एज इट इज सो हमें हमारा गिवन फ्रैक्शन पिल से मिल गया है ओके सो फ्रेंड्स ये जो हमने मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है वो करेक्ट है ओके सो फ्रेंड्स हम कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन के हेयर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं इनको हम सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं सो हियर फर्स्ट फ्रैक्शन इज टू एंड वन अपॉन फोर अभी से हमें सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है और कन्वर्ट करना है सो so, हम क्या करेंगे फोर मल्टीप्लाई बाय ये टू कर देंगे एंड इसमें ये वन ऐड कर देंगे दैट इज फोर मल्टीप्लाई बाय टू ओके फोर मल्टीप्लाई बाय टू प्लस ये वन एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर के फोर एज इट इज डिनोमिनेटर हम चेंज नहीं करते सिर्फ नोमिनेटर से ही चेंज होते हैं सो हियर फोर मल्टीप्लाई बाय टू मीस एट प्लस वन अपॉन फोर एट प्लस वन में अपॉन डिनोमिनेटर के फोर एज इट इज सो टू एंड वन अपॉन फोर की वैल्यू है थ्री एंड टू अपॉन फाइव इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय दिस थ्री प्लस ये टू करना है दट इज फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस टू अपॉन डिनोमिनेटर के फाइव एज इट इज

प्लस फोर अपऑन डिनोमिनेटर के नाइन एज इट इज ईयर नाइन सेवन जार्सटी थ्री प्लस फोर अपॉन नाइन यिक्सटी थ्री प्लस फोर में सिक्सटी सेवन अपॉन नाइन दिस इज अवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मिक्स फ्रैक्शन के सभी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए हैं अब हम और एक न्यू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस सो स्टार्ट करते हैं वो न्यू टॉपिक

न्यूमरेटर क्या है थ्री है एंड डिनोमिनेटर टू है ये ग्रेटर साइन है आपको ऑलरेडी पता है जो ग्रेटर होता है उसके ऊपर दो टिप्स आते हैं एंड जो स्मॉल होता है उसके ऊपर एक ही टिप आता है देन सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं नाइन अपॉन फोर ये भी क्या है इम प्रॉपर फ्रैक्शन है देट इज हेयर न्यूमरेटर इज नाइन एंड डिनोमिनेटर इज फोर एंड न्यूमरेटर ग्रेटर सो फ्रेंड्स थर्ड एग्जाम्पल भी लेते हैं फोर अपॉन सिक्स क्या इमर फ्रैक्शन होगा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है फोर है एंड डिनोमिनेटर है इज लेस देन डिनोमिनेटर बिकॉज फोर इज लेस देन दिस सिक्स सो दिस इज नॉट अ इम प्रॉपर फ्रैक्शन देन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी स्टडी कर लेते हैं नाइन अपॉन टेन फ्रेंड्स आप बताओ यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बिकॉज यहाँ पर न्यूमेरेटर नाइन है एंड डिनोमिनेटर टेन है यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम प्रॉपर फ्रैक्शन नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज टेन अपॉन सेवन क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा होगा बिकॉज न्यूमरेटर इज टेन एंड डिनोमिनेटर इज सेवन हेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टीनोमिनेटर so this is improper fraction. Okay, ओके बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स आपको ये जरूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स आपको सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो मिक्स फ्रैक्शन का दैट इज थ्री वन अपॉन टू भी ले सकते हो अभी से हमें सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस वन कर देंगे ओके okay? एंड डिनोमिनेटर के टू एज इट इज़ राइट करना है सो यर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री में सिक्स प्लस वन अपॉन टू सिक्स प्लस वन में सेवन अपॉन डिनोमिनेटर के टू एज इट इज़ है ना सिंपल आप कौन से भी एग्जाम्पल लो एंड उन एग्जाम्पल को स्टडी करो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी नहीं देखे हैं तो फर्स्टली आप उन्हें देख लीजिए उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियोज आप देखते जाओ So, thank you for watching my video. See you on next lecture. Have a nice day.